राधे राधे जी, जय माता दी। आप सभी को मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्ते। सुबह हो चुकी है, आज हम आपको अपने किचन में लेके आए हैं। और सुबह सुबह ही हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ठंडी ठंडी हवा चली और इतनी ज़्यादा बारिश लगी कि मैं सुबह ही भीग गई और मैं आग सेक रही थी चूल्हे के पास बैठ के। तो अभी 7 बजे का टाइम हो चुका है और अब हम खाने की तैयारी भी करते हैं। तो आज खाने में हम क्या बनाएंगे, आप ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा और मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन सी चीज़ है। और मैं भी आपको थोड़ा सा आसपास का व्यू भी दिखा देती हूँ, हमारे यहाँ पे कितनी सारी धुंध पड़ी है, बारिश लगी है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। मतलब सर्दी वाला मौसम हमारे यहाँ पर फिर दोबारा से बढ़ चुका है। तो हमारे गांव में बहुत सारी सब्जियां पाई जाती हैं लेकिन हम लोग उनका उपयोग करना नहीं जानते हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि हमें उन सब्जियों को कैसे बनाना है। गांव में अंजीर की सब्जी, तेंबल की सब्जी, शिम्बल की सब्जी, कचनार की सब्जी, बहुत सारी सब्जियां और कैक्टस मतलब छूरों की सब्जी, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ पाई जाती है। लेकिन हम लोग तो मार्केट की तरफ ही भागे रहते हैं कि मार्केट से हम ये वाली सब्जी लेके आएंगे, वो वाली लेके आएंगे। मतलब हम अपने पैसे को हर तरह से वेस्ट ही करते हैं। हम गांव में अपने पैसों को भी सेव कर सकते हैं और जो गांव की ओरिजिनल मतलब सब्जियां हैं उनको भी हम खा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भी बस यही सोचते हैं कि कौन मेहनत करेगा और कौन मतलब इनके लिए स्ट्रगल करेगा निकालने का, तो हम बस इसीलिए मार्केट से जाके सब्जी लेके खाते हैं। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ मिली होती हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। जो हमारी अपने घर की ओरिजिनल है हम उन्हें नहीं जानते हैं और ना ही उनको बनाने का हमारे पास तरीका होता है, लेकिन सेम उसी तरीके से बनाई जाती है। जैसे हम आम सब्जी के लिए तड़का लगाते हैं वैसे ही उस सब्जी को भी बनाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो बातों बातों में हमारा यहाँ पर तड़के के लिए सामान भी हमने रेडी कर लिया है और तड़का भी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। और यहाँ पे बारिश के दिनों में देखिए कितना सारा पानी हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो मुझे ये भी मतलब साथ साथ में हटाना पड़ता है पानी यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे फिसलने का डर बना रहता है। और कई बार तो मैं यहाँ पे गिर भी चुकी हूँ क्योंकि एकदम से गीला हो जाता है और जब हम लोग दौड़ के आते हैं तो एकदम से यहाँ पे फिसल जाते हैं। ये देखिए कितना सारा पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो ये है सिंबल का पेड़ जिसमें जंगली भिंडी की सब्जी लगती है। ये देखिए जंगली भिंडी, तो ये देखिए इसका पेड़ कितना बड़ा होता है सिंबल का, देखिए। ये है सिंबल का पेड़ और इसके बिल्कुल सारी जंगल जंगली भिंडी की सब्जी लगी है। साथ में है शहतूत की छोटी छोटी सी डालियाँ, तो इनमें देखिए शहतूत का फल भी लग चुका है और अब ये लाल भी हो चुका है, मतलब अभी पका नहीं है। जब ये बिल्कुल काला हो जाएगा इसका फल तो तब ये पक जाएगा। ये देखिए ना इस तरह से, मतलब इस तरह से ये दोनों साइडों से बिल्कुल जब काला काला होने लगेगा तो समझ लेना कि अब ये शहतूत का फल पकना शुरू हो चुका है।
देखिए इसकी जो छोटी छोटी टहनियां हैं उनमें कितने सारे शहतूत के फल लगे हैं। तो अब ये बारिश के बाद एकदम से पकना शुरू हो जाएंगे। और अभी मैं खेत से वापस आ रही थी तो मैंने रास्ते में ये शहतूत की छोटी छोटी सी डालियां देखी और यहाँ पे देखा है साथ में ही सिंबल का पेड़। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को दिखाया था इसमें पहले लाल लाल कलर के फूल लगते हैं और उसके बाद जब वो फूल लगना बंद हो जाते हैं तो उसके बाद ये डिगियाँ लगना शुरू हो जाती है, मतलब टाटे भी हम इसको बोलते हैं। और खेत से वापस आते आते यहाँ पे मुझे दो लक्कड़ मिले थे, वहाँ पे दीक्षु ने कल कटे थे तो मैं उनको भी साथ में लेकर आई। और मौसम ने फिर दोबारा से करवट बदल ली है और यहाँ पे ये है कैक्टस, ये देखिए कितने सारे कैक्टस हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ पे मैंने इसका जो ऊपर वाला मतलब वो एक पर्स जैसी थी उसको मैंने यहाँ पे हटा लिया है और इन भिंडियों के दोनों सिरों को भी यहाँ पे काट के रख लिया है। तो ये देखिए मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। ये है भिंडी, तो भिंडी को मैंने लंबे तरीके से काट लिया है यहाँ पे। और ये देखिए आप देख रहे होंगे इसमें फिसलन वाला पदार्थ है ये देखिए। ये वाली चीज भी उसी तरह से फिसलती है जैसे कि दूसरी भिंडी फिसलती है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये भिंडी बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म होती है और ये मार्च के महीने में ही इन पेड़ों पे लगती है। और इसमें ज्यादा मतलब मसाले वगैरह डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और यदि किसी के पास टमाटर हो तो वो उसमें भी ऐड हो सकते हैं, बट लेकिन मैं इसको बिना टमाटरों से ही बनाऊंगी। और अभी ये देखिए इसमें भिंडी की तरह छोटे छोटे बीज शायद आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। तो ये हमने यहाँ पे कढ़ाई में घी डाल दिया था तो घी भी हमारा लगभग गर्म ही हो चुका है। और साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें मसाले कौन कौन से लिए हैं। तो ये लिया है हमने प्याज, साथ में ले लिए हमने सूखी मिर्ची और साबुत जीरा और सूखा धनिया, मेथी, पीसे हुए मसाले, हल्दी, नमक और कसूरी मेथी। तो ये सारे मसाले हमें चाहिए लेकिन इतने ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब्ज़ी ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और ये हमने सब्ज़ी को यहाँ पे काट लिया है तो मैं अभी आपके साथ तड़का भी थोड़ा सा शेयर कर लूँगी। तो ये यहाँ पे हमने डाल दिया था सूखा धनिया और साथ में डाल दी हमने थोड़ी सी कटी हुई सूखी मिर्चें और धनिया हमारा लगभग भून चुका है। तो ये हमने डाल दिया इसमें प्याज, तो प्याज को भी अभी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। ये हमारा प्याज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भूनना शुरू हो चुका है और ये डाल दिया हमने इसमें साबुत जीरा और ये थोड़ी सी चुटकी भर हमने यहाँ पे कसूरी मेथी भी ऐड कर ली। तो अब हमारा तड़का लगभग भून ही चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी और ये हमने इसमें हल्दी भी ऐड कर ली, थोड़े से पीसे हुए मसाले भी हमने अभी इसमें ऐड कर लिए। तो लीजिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपनी सब्जी। तड़के के साथ हम सब्जी को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे भिंडी के लिए तड़का लगा दिया और मैंने देखिए यहाँ पे गलती से एक भिंडी को नहीं काटा था तो मैं अभी इस भिंडी को भी काट लेती हूँ और दोबारा उसमें मिक्स कर लेती हूँ।
और ये मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लिया। तो अब हम इसको अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले अपनी सब्जी में ऐड कर लिए। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे। ये हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और ये हमने इसमें बिल्कुल धीमी धीमी सी आंच यहाँ पे जला के रखी है। तो अभी मैं सब्जी को यहाँ पे पका लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना काम कर लिया है। तो ये रख ली है मैंने जंगली भिंडी की सब्जी, और साथ में रख ली है चाय, और ये रख ली है रसगुल्ला के लिए चपातियाँ, और ख़ुद के लिए बनाए हैं त्रिकोने परांठे। तो मैं सुबह सुबह परांठे खाना पसंद करती हूँ चाय के साथ, या फिर कभी दही के साथ भी ले लेती हूँ। और ये सब्जी और चपाती शुक्ला जी के लिए है, और साथ में है चाय। तो अब ये हमारी सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी थी। तो अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आप मुझे बताना कमेंट में कि ये वाली सब्जी आपको कैसे लगी। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, तो मैंने यहाँ पे सिर में धाटी जैसी बांध ली थी, क्योंकि हमारे बहुत ठंड है। और एक बात मैं आपसे कहना ही भूल गई थी, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का चौथा नवरात्रा है माँ कुष्मांडा जी का। तो माँ सबकी झोलियों में खुशी धन धन्य और भर दे। तो सभी माता रानी सभी अपने बच्चों को